रांचो को प्रोफेसर्स क्लास में कम बाहर ज्यादा रखते थे। वो एक क्लास से निकाला जाता तो दूसरे में जाके बैठ जाता था। कहता था चारों तरफ ज्ञान बढ़ रहा है, जहां से मिले लपेट लो। वो हम सबसे अलग था। हम रोज बाथरूम के लिए लड़ते रहते थे, उसे जहां पानी मिले वही नहा लेता था। मशीनों से बहुत लगाव था, जेब में स्क्रू ड्राइवर लेकर घूमता था, जो मशीन दिखे उसे खोल देता था। कुछ बंद होती थी कुछ नहीं। एक और था जो बिल्कुल उसके जैसा था, जॉय लोबो। सर वो कॉन्वोकेशंस के डेट्स अगर पता चल जाते तो। क्यों? एक्चुअली डैड रिजर्वेशन कराना चाहते थे। अपने गांव से मैं पहला इंजीनियर हूँ सर, सारे रिलेटिव्स कॉन्वोकेशन पे आना चाहते हैं। इन दैट केस आपके डैड को फोन लगाओ प्लीज। चलो प्लीज प्लीज, हरी अप, डोंट वेस्ट माय टाइम। हेलो डैड, डायरेक्टर साहब आपसे बात करेंगे। चलो, वो इस साल आपका बेटा ग्रेजुएट नहीं होगा। Sir? He has violated all the deadlines. With unrealistic, Mr. Lobo, unrealistic project है, हमने बताया था। He's making some nonsense helicopter. So मेरी recommendation यही है कि आप train की reservation मत कीजिए। I'm so sorry. Sir, I'm this close, sir. Is your project ready? Is your project ready? Sir, आप एक दफा देख तो लीजिए sir, please. Submit कर लो तो हम consider करेंगे। Sir, मुझे थोड़ा सा extension दीजिए। Why should I give you an extension? Dad के stroke के बाद में 2 महीने concentrate नहीं कर पाया sir. Please. 2 महीने खाना पीना छोड़ दिया था? नहीं नहीं। नाना छोड़ दिया था? नहीं नहीं। तो पढ़ाई क्यों छोड़ दी? Sir, I'm very close. आप एक दफा देख तो लीजिए सर, प्लीज। मिस्टर लोबो, संडे आफ्टरनून को मेरा बेटा ट्रेन में से गिर के मर गया था। मंडे मॉर्निंग को वीरू सहस्रबुद्धे ने इसी कॉलेज में लेक्चर दिया था। सो डोंट टेल मी दैट नॉनसेंस। मैं आपको सिंपथी दे सकता हूँ, एक्सटेंशन नहीं। I'm sorry. बनाया यार हेलीकॉप्टर के ऊपर वायरलेस कैमरा, ट्रैफिक अपडेट, सिक्योरिटी, सबके काम आ सकता है। ये पर वायरलेस से कह रहा था कि बहुत इम्प्रैक्टिकल डिजाइन है, उड़ेगा ही नहीं। उड़ेगा कैसे नहीं, हम उड़ाएंगे। एक जॉय को मत बोलना, उसको सरप्राइज देंगे। उसकी खिड़की के बाहर उड़ाएंगे, उसका रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अरे हम उसका प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा कौन करेगा? टेस्ट, वाइवा, क्विजेस मिला के हर सेमेस्टर में 42 एग्जाम्स है। अरे तू डरता बहुत है यार। ये हाथ ले, अपने दिल पे डाल और बोल ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़दास? अरे हमारे गांव में एक चौकीदार हुआ करता था, वो रात को पहरा देते वक्त जोर जोर से चिल्लाता था ऑल इज वेल, और हम लोग सुकून से सो जाते थे। एक रात गांव में चोरी हुई तो पता चला कि साले को रात में कुछ दिखते नहीं है यार, ऐसे चिल्लाता रहता था ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और हम लोग बेफिक्र होकर सो भी जाते थे। उस दिन एक बात समझ में आई, ये जो अपना दिल है ना, बड़ा डरपोक है यार, इसको बेवकूफ बना के रखो। लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो ना, उसको बोलो कोई बात नहीं चाचू, सब ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, और उसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नहीं, लेकिन उसको झेलने की हिम्मत आ जाती है। ये मंत्र याद कर लो, यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। गुड न्यूज़ है सर, ना पुलिस को पता चला
नौजवान के बाप को। सब सोच रहे हैं सुसाइड है सर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है मौत का कारण इंटेंस प्रेशर ऑन विंडपाइप रिजल्टिंग इन चोकिंग। वो बेवकूफ सोच रहे हैं कि इधर प्रेशर पड़ने की वजह से मर गया, और पिछले 4 साल से जो यहां प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या, वो तो रिपोर्ट में है ही नहीं सर। ये इंजीनियर्स बड़े चालाक होते हैं सर, ऐसी कोई मशीन ही नहीं बनाई जो यहां का प्रेशर नाप सके। बनाते तो पता चल जाता कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है सर। जॉय के सुइसाइड के लिए तो मुझे दोष दे रहे हो। एक स्टूडेंट प्रेशर नहीं ले पाता तो हम जिम्मेदार कैसे? वैसे लाइफ में कई प्रेशर्स आएंगे तो हमेशा तुम दूसरों में दोष डालोगे। सर मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूं सर, सर मैं एक्चुअली सिस्टम को दोष दे रहा हूं। सर मेरे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं सर। सर सुसाइड्स में इंडिया नंबर 1 है सर। हर 1.5 घंटे में कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड अटेम्प्ट करता है सर। यहाँ पे स्टूडेंट्स बीमारी से कम और सुसाइड से ज्यादा मरते हैं। कुछ तो गलत हो रहा है ना सर? मैं दूसरे कॉलेजेस के बारे में नहीं बता सकता, बट दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री। 32 साल से मैं ये कॉलेज चला रहा हूं और 28th पोजीशन से नंबर 1 तक लेके आया हूं मैं। सर व्हाट नंबर 1 सर, व्हाट नंबर 1 सर? यहां पे कोई नए आइडियाज की बात ही नहीं करता सर, इन्वेंशंस की बात ही नहीं करता। बात करते हैं तो सिर्फ मार्क्स की या फिर यूएसए में नौकरी की। सर यहां पे ज्ञान नहीं मिल रहा है सर, यहाँ पे सिर्फ ये सिखाया जा रहा है कि मार्क्स कैसे लाए। अब तुम मुझे सिखाओगे कैसे पढ़ाते? नो सर, आई सर आज हमारे बीच एक ऐसे लीडर है जिनका मानना है कि वो हमारे हाईली क्वालिफाइड टीचर से बेहतर पढ़ा सकते हैं। तो आज प्रोफेसर रणछोड़दास छाछड़ हमें इंजीनियरिंग सिखाएंगे। Do not have all day. आपके पास 30 सेकंड हैं बोर्ड पे लिखे हुए शब्दों का मतलब समझाना है। आप चाहें तो किताब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे जवाब मिलेगा वो हाथ ऊपर करेगा। देखते हैं कौन फर्स्ट आता है और कौन लास्ट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप सर, टाइम अप। क्या किसी को जवाब नहीं मिला? अब अपनी लाइफ का 1 मिनट रिवाइंड करो और सोचो। जब मैंने ये सवाल पूछा, किसी ने ये सोचा कि आज कुछ नया सीखने को मिलेगा, मजा आएगा? एनीवन? सर नहीं, सब रेस में लग गए। ऐसे पढ़ के फर्स्ट आ भी गए तो क्या फायदा? आप लोगों की नॉलेज बढ़ेगी? नहीं, सिर्फ प्रेशर बढ़ेगा। और ये कॉलेज है, प्रेशर को कर नहीं। अरे चाबुक के डर से तो सर्कस का शेर भी उछल के कुर्सी पर बैठना सीख जाता है, लेकिन ऐसे शेर को हम वेल ट्रेन्ड कहते हैं, वेल एजुकेटेड नहीं। हेलो, दिस इज नॉट अ फिलोसफी क्लास।
उन दो वर्ड्स का मतलब बताओ बस। सर ऐसे कोई वर्ड्स है नहीं सर, ये तो मेरे दोस्तों के नाम है, फरहान और राजू। इंजीनियरिंग? नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे, और मुझे यकीन है कि आप एक दिन जरूर सीखेंगे सर, क्योंकि मैं अपने कमजोर स्टूडेंट्स का हाथ कभी नहीं छोड़ता।